मंडी में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बाली और सुधीर शर्मा में छिड़ी लड़ाई पर तंज कसा। धूमल ने वीरभद्र सरकार पर भी कई वार किए। कह रहा है कि मेरे को मंच पर नहीं आने दिया, कोई भेड़ बन गई, कोई शेर बन गया। असली शेर तो जनता है जो सबको खा जाएगी जो ऐसे लोग होंगे। लड़ाई बाली और सुधीर शर्मा में ठनी है और मजा धूमल लूट रहे हैं। धूमल विरोधियों को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। धूमल तो बिना नाम लिए एक तीर से दो दो निशाने लगा रहे हैं। कह रहे हैं देखते रहो, तमाशा चालू है। सियासी चिड़ियाघर में शेर और भेड़ में कौन भारी पड़ता है। कोई मंत्री कह रहा है कि मेरे को मंच पर नहीं आने दिया, कोई भेड़ बन गई, कोई शेर बन गया। असली शेर तो जनता है जो सबको खा जाएगी जो ऐसे लोग होंगे। जो जो वक्त आगे आएगा और बातें सामने आएगी, भेड़ बकरी के किस्से और शेर के किस्से आपको और सुनने को मिलेंगे। वीरभद्र सरकार के दो कद्दावर मंत्रियों में दबदबे की जंग छिड़ी हो और दोनों मंत्री बीजेपी के चार्जशीट की चंगुल में फंसे हों तो धूमल कहाँ छोड़ने वाले। कहा असली शेर जनता है जो भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी। जिस मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री एक दूसरे पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं, मुख्यमंत्री कार्रवाई करने की बजाय दोनों को समझा के चुप कराएं, अंदाजा लगा सकता है वो सरकार कैसे चल रही होगी। दुर्गम इलाकों में आतंकियों की पहुंच को लेकर लग्जरी कारों की चोरी तक हर सवाल में नेताओं और नौकरशाहों की बदगुमानियों को धूमल ने जुबानी पैरामीटर से नाप दिया। इतना दुर्दांत आतंकवादी पकड़ा जाए और उसकी जानकारियां जनता से छिपाई जाएं, इस डर के मारे कि कहीं मामला विधानसभा में ना उठ जाए, तो सरकार की नीयत एक तरफ से एक स्पष्ट होती है कि वो विधानसभा को भी अंधेरे में रखना चाहती है और हिमाचल की जनता को भी अंधेरे में रखना चाहती है। बातों ही बातों में धूमल वीरभद्र सरकार की बगिया उघेड़ते नजर आए। हर सवाल में वीरभद्र सरकार की नाकामियों को आलोचना के सूत्र से सिद्ध करते गए। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।